like a Hellcat. हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं रविंदर सिंह राणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल राणा जी फिटनेस में। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की चल रही है कोविड-19 की, उसमें हम अपने आप को क्या क्या हमें उपाय करने हैं और कैसे कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, हजारों लाखों लोग मर चुके हैं और जैसे जैसे हम अपने कामों में बाहर जा रहे हैं तो हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने नमस्कार करने की आदत डालनी है, जितना हो सके अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से आपने धोना है या फिर पानी और साबुन से कम 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है, जिससे हाथों के कीटाणु मर जाएं और आप सुरक्षित रहें। जितना हो सके आपने 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी अपने और दूसरों के बीच में बना के रखनी है। पास जाएंगे तो यदि कोई खांसता है, छींकता है, आपके पास आके बात करता है तो सांसों के थ्रू जर्म्स, कीटाणु आपके अंदर जा सकते हैं शरीर के, और अगर किसी को कोविड-19 हुआ तो आपको भी चांसेस हो जाएंगे और आपको भी कोविड-19 हो जाएगा। तो जितना हो सके दूरी, उचित दूरी बना के रखें और अपने आप को सेफ रखें। जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, बहुत जरूरी हो तभी जाएं, और साथ साथ अपने मास्क को अपना दोस्त बना के रखें। आपने हमेशा इसको कैरी करना है, मुंह पे लगा के रखना है जब भी आप बाहर हों। अपने सर को ढकने से भी कोई गंदगी आपके सर के थ्रू घर के अंदर नहीं आएगी। इससे दो फायदे होंगे, मास्क लगाएंगे तो आपके मुंह पे बैक्टीरिया नहीं जाएगा मुंह के थ्रू, सर को ढक के रखेंगे तो कोई गंदगी आपके सर पे नहीं बैठेगी और आपको लू, सर्दी, बारिश से भी बचे रहेंगे। तो ये कुछ उपाय आपने करने हैं। साथ साथ दोस्तों, जितना हो सके आपने अपने हाथों को बेवजह मुंह पे नहीं लगाना है, आंखों पे नहीं लगाना है, कान नाक कहीं छूना नहीं है, बिकॉज हमारे हाथ जो है बहुत सारे सरफेस को छूते हैं, कुछ सरफेस बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, कई लोगों के हाथ लगते हैं पब्लिक टॉयलेट में, कहीं भी हम जाते हैं तो अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड रहे तो आपके मुंह और नाक के थ्रू वो आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं और आपको इन्फेक्टेड बना सकते हैं। तो बिना वजह मुंह पे हाथ ना लगाएं और अपने हाथों को अच्छे तरह से धोते रहें। साथ साथ अपने क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको और आपके आसपास वाले लोग एक रेस्पिरेटरी हाइजीन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे इंटरनल ऑर्गन का हाइजीन आप कैसे बनाएंगे, जैसे कोई अगर आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपने कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करना है। इन केस आपके पास कपड़ा या रुमाल नहीं है तो अपने अपनी कोहनी के पास से छींकना है या फिर किसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते के साथ ही उस टिश्यू पेपर को इंस्टेंट डिस्पोज करिए कूड़ेदान में और अपने हाथों को तुरंत अच्छे से 20 से 30 सेकंड तक धोइए। इससे आप अपने को, अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने घर में बीमारी से बचा के रख पाएंगे। साथ साथ आपने क्या करना है, बिना वजह अगर आपको लग रहा है कि आपको हल्का सा बुखार है, सर में दर्द है या सर्दी जुखाम हो रहा है तो बिना वजह आप बाहर ना जाएं, घर में बने रहें, किसी और से अपने लिए जरूरी सामान मंगा लें और अगर बहुत जरूरी है जाना तो मुंह पे मास्क लगा के आएं, जल्द से जल्द वापस आ जाएं और घर में बने रहें। अगर आपको कुछ ऐसी शिकायत लगती है कि आपको बुखार लग रहा हो, खांसी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए कि कैसे कैसे आपने टिप्स फॉलो करनी है, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जिससे आपकी जान बची रहे और आप अपने परिवार को इन्फेक्टेड होने से बचा पाए। तो ये थी कुछ बातें कोविड-19 में सुरक्षित रहने की। दोस्तों, कुछ बातें जो आपको घर में भी सावधानियां बरतनी है, जैसे जो हैंड सैनिटाइजर हम यूज करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड है, उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है क्योंकि वो जहरीले भी हो सकते हैं। तो बच्चों को कोशिश करिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में बच्चे उसको पिए ना। साथ साथ वो अगर जो सैनिटाइजर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं वो 60% अल्कोहल है उनके अंदर तो वो आग पकड़ सकते हैं, आग पकड़ने की बहुत संभावनाएं हैं, तो उनको लगा के किसी आग के पास या कुकिंग करने इंस्टेंटली ना जाए, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दें तभी आप ये सब काम करें। साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को हाथ में बॉटल ना दें, अगर उनको सैनिटाइजर आप दे भी रहे हैं तो खुद उनके हाथ पे लगाएं और उनको मॉनिटर करें कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें आपने घर पे भी ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कैसे हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, बिकॉज जितने अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम होगा बीमारियों से हम उतना लड़ पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें पर अस्त व्यस्त ना रहें। जल्द मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।